तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर। इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स के बारे में, डे टू डे की ऐसी बातें जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही है और जिसके बारे में हमको जानना जरूरी है, न केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, इवन आम आदमी को भी इसको जानना जरूर आवश्यकता होती है। इससे कई सारे इकोनॉमिक टर्म्स होती है जो हमारी आम जिंदगी में भी उपयोग होती है, तो उसके बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों इस बारे में। तो लेटेस्ट में न्यूज़ थी 31 मई की, और सबसे बड़ी न्यूज़ थी मेरे हिसाब से, ये साल भर की सबसे बड़ी न्यूज होती है हर इकोनॉमिस्ट, इंडिया का चाहे कोई भी इकोनॉमिस्ट हो या कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हो, जिसको थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है वो इस न्यूज़ का इंतज़ार करता है। न्यूज़ थी कि जो इंडियन GDP है ना, वो 2022-23 में जो लास्ट साल ख़त्म हो गया अभी 31 मार्च 2023 को, इसमें जो इंडियन GDP की ग्रोथ रेट 7.2% रही है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज है, ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज है काफ़ी ज़्यादा। जब हम लोग देख रहे हैं कि जर्मनी जैसे देशों में मंदी आ रखी है, चाइना जैसा देश 3-4% के आसपास ग्रोथ कर रहा है, अमेरिका का कुछ कहना नहीं, वहाँ भी नेगेटिव में जा सकता है, पूरी दुनिया परेशान है। लगभग है ना, पूरी दुनिया में हम टॉप मेजर इकोनॉमी जो इतना ज़्यादा ग्रोथ रेट है, लार्जेस्ट मेजर इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग सो फास्ट, तो भारत दुनिया का क्या एक तरह से ब्राइट स्पॉट है। अगर आप लोगों ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, हम सब जानते हैं इसकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अगर इसमें देखा होगा तो इसमें है ना भारत को दुनिया में ब्राइट स्पॉट बताया कि सारी दुनिया में जब मंदी से ग्रसित है, स्लो डाउन हो रहा है कहीं पर, दुनिया की सब देश इकोनॉमी युद्ध चल रहा है, उससे रशिया की स्थिति खराब है, यूरोप की स्थिति खराब है, लगभग सारे दुनिया में सभी कंट्री परेशान है, अमेरिका में नेगेटिव ग्रोथ रेट की उम्मीद है, तो ऐसे स्थिति में भारत क्या हो रहा है, ब्राइट स्पॉट के रूप में उभर रहा है और पूरी दुनिया में जितने भी GDP बढ़ेगी उसका 15% इंडिया से आएगा, ऐसा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कहता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज आई है, लगभग दुनिया के इंडिया के सभी ने माना था कि जो 2022-23 में इंडियन GDP की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 7% के आसपास रहेगी, लेकिन सबको मात देते हुए सबकी उम्मीदों को मात देते हुए इंडियन GDP ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसकी तारीफ करनी की जानी चाहिए, और ये 7.2% रहा है। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम जानेंगे सबसे पहले तो GDP क्या होता है, सिंपल बात, और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों जो हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, साथ में फिर इसके बारे में डालेंगे ग्रोथ रेट क्या है भाई, GDP हम GDP के बारे में नहीं बात करेंगे, GDP ग्रोथ रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है और इसके बारे में फिर इसके कई सारी कैलकुलेट कैसे होता है, कई सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं GDP के बारे में जानकारी। तो GDP कुछ नहीं है, GDP फुल फॉर्म होती है बेसिकली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में हम कहेंगे और इंग्लिश में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत परेशान रहते हो, GDP हमेशा वर्ड सुनने में मिलता है, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, और TV खोलो तो न्यूज GDP है क्या, ऐसे कुछ भी नहीं है। सिंपल बात बताऊं, यह है एक फैमिली ए, इसके पास कुछ लैंड है, किसान है, जमीन है, सपोज करो 10 बीघा जमीन है, इसका एक बेटा टीचर है, जॉब में करता है, डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बेटे की छोटी मोटी फैक्ट्री है, सपोज करो पापड़ बनाने की इंडस्ट्री है छोटी मोटी, बड़ी भी हो सकती है, छोटी मोटी मान लिया, तो ठीक है, इस परिवार की सपोज करो 10 बीघा जमीन से सालाना हो रही है इनकम 5 लाख, टीचर की सालाना तनख्वाह इससे ये साल भर में कमा रहा है, ये भी कमा रहा है 6 लाख रुपये, सपोज करो इंडस्ट्री से सपोज करो 10 लाख रुपये कमा रहा, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 10, 6, 21 लाख, तो बस दोस्तों ये 21 लाख की GDP है, क्या ये GDP है, ये इस परिवार की GDP है, ऐसे गाँव की GDP हो सकती है, पूरे गाँव में साल भर में कितना हुआ प्रोडक्शन, इसको बेसिकली क्या कहेंगे प्रोडक्शन, क्या करते हैं हम प्रोड्यूस करते हैं, इकोनॉमी में हम क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर में क्या हुआ कुछ माल प्रोड्यूस किया, टीचर में क्या किया सर्विस प्रोड्यूस करी, इंडस्ट्री में कोई वस्तु का प्रोडक्शन किया, तो सिंपल सी बात GDP कुछ नहीं, एक निश्चित समय में एक साल में जितने भी गुड्स वस्तु एंड सर्विस सेक्टर में जैसे शिक्षा चिकित्सा ये सब सर्विस आता है, तो एक वर्ष में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ना, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो क्या कहलाती है, वो GDP कहलाती है। सिंपल है, एक साल में जितना भी वस्तु सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालो पैसे के रूप में, ऐसा नहीं 100 बोरी गेहूँ, ऐसा नहीं, उसका मॉनेटरी वैल्यू निकालो तो वो सिंपल GDP होता है।
अब दोस्तों ये यही बात होगी, सपोज करो ए परिवार है आपके गांव में, इसका साल भर की कमाई हो रही 10 लाख, बी की हो रही 20 लाख, ये दोनों की जीडीपी है, तो कौन सा परिवार अमीर होगा? जाहिर सी बात सब कहेंगे बी अमीर होगा। ऐसे देशों में कोई देश ए है, यूएस है, इसकी जीडीपी सपोज को 20 ट्रिलियन डॉलर है, 20 रुपये मान लो आप, तो चिंता करने की बात नहीं। इंडिया की सपोज को 3.5 रुपये है, तो अब कौन सा देश होगा अमीर? तो यहाँ पर सोचो सर, यहाँ तो 20 ट्रिलियन डॉलर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये देश अमीर होगा, प्रोडक्शन होगा तो यहाँ इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार ज़्यादा मिलेगा इन लोगों को, रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी, तो सीधी सी बात, इसलिए जीडीपी मैटर करती है, जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी देश की, सिंपल सा जीडीपी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन को, उस देश में उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, रोजगार बेरोजगारी दूर होगी, सरकार को भी टैक्स मिलेगा तो सरकार भी ज़्यादा खर्च कर पाएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ तक कोई लॉजिक नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज को कोई देश गरीब है, सपोज को 100 रुपये की इसकी जीडीपी है, अब ये देश अमीर बनना चाहता है तो क्या करे, तो ये अब इसको क्या करे, बढ़ाए, अगले साल इसको 110 ले जाए, फिर उसको एक साल 120 ले जाए, ऐसा तेजी से बढ़ाए इसको, ताकि कहीं ना कहीं जैसे कि कोई देश 500 पे है तो वहाँ ये पहुँच सके। तो जो एक साल से अगले साल में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट कहते हैं। तो यहाँ 100 से 10 हो रहा है, 110 हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, 10%। सपोज करो 2021-22 में 100 था, 22-23 में 110 हो गया, जीडीपी बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि इस एक साल में कितना बढ़ा, 10% ग्रोथ रेट हुई। अब बताओ जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट होगी देश की, उतना ही अच्छा ही बुरा है, उतना ही बुरा है, सर जीडीपी बढ़ जाएगी हमारी, तो इसलिए ग्रोथ रेट मैटर करती है। हर देश जिसका क्या होगा, जिसकी ग्रोथ रेट जितनी ज़्यादा अच्छी है उतना ही बढ़िया माना जाता है, तेजी से डेवलपमेंट करेगा। सपोज करो ये 100 रुपये जीडीपी थी एक टाइम पर, अब कोई देश की 10% ग्रोथ हुई, 8% हुई, तो 10% वाला आगे नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये आगे निकल जाएगा। मान लो किसी में नेगेटिव चल गया, मतलब सपोज को प्रोडक्शन घट गया, 95 भी रह गया, तो इसको क्या कहते हैं, मंदी कहते हैं। तो ये मंदी बहुत बुरी स्थिति होती है, कहते हैं ना मंदी में नौकरी निकल जाती, क्यों, प्रोडक्शन घट जाता है, 100 से भी कम हो गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन घटेगा, 95 रहेगा, तो कुछ लोग रोजगार मिलेंगे उनको क्या कर देंगे, छटनी कर देंगे, दिस इज कॉल्ड मंदी। मंदी में क्या कहते हैं, सिंह थोड़े लगते हैं, ये मंदी, इसी को रिसेशन कहते हैं, जब क्या होता है प्रोडक्शन घटने लग जाता है बढ़ने की जगह, तो उसको रिसेशन कहते हैं, मंदी कहते हैं, इनका थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, अभी हमको जानने की आवश्यकता नहीं, पर मोटा मोटी आप सब लोग समझ गए होंगे। तो अब ये बात हुई हमारी, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कोविड के बाद क्या हुआ था, कोविड-19 का मंदी आई ही थी, कोविड-19 में तो क्या हुआ था, मंदी आनी थी, स्लो डाउन होना ही था, क्यों, सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो वो था 2020-21 का ही है, फिर उसके बाद बाउंस होना ही था, 21-22 में प्रोग्रेस था, तो भारत की जो 21-22 में लास्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो लगभग 9% आसपास थी, 9.1% के आसपास, और इस साल सब लोग कितनी उम्मीद कर रहे थे, 7% ही कर रहे थे, लेकिन ये कितना रहा दोस्तों, ये रहा 7.2%, बहुत अच्छा डेटा है, इसको तारीफ की जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात। लेकिन 2020 में आप जानते हो कोरोना था, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, तो इस टाइम तो ये नेगेटिव में गया था, -5.9% के आसपास ये डेटा रहा था। तो इसलिए हम कह रहे हैं जीडीपी इंपॉर्टेंट होता है। अब जीडीपी गणना कौन करता है, तो पूरा देश का मैटर होता है, पूरा देश के लिए मैंने आपको कई बार बता रखा है, कई सारे मिनिस्ट्री पढ़ाए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया नहीं पढ़ाया था बताओ, एक पढ़ाया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, एक हमने बताया था कि जितना भी डेटा कलेक्शन का काम करता है ना वो करता है एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अंडर में एक ऑफिस होता है, कौन सा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO, तो ये NSO जीडीपी की गणना करता है, बस यहाँ तक बात ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक बार स्लाइड के माध्यम से जानेंगे क्या घटना हुई है। तो आप सबको पता है 31 मई 2023 की न्यूज थी, साल था 2022-23, हम सब जानते हैं वित्तीय वर्ष का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब, फाइनेंशियल ईयर भारत में 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ये 1 अप्रैल 2022 से का मैटर था, से कहाँ तक चलेगा, तो 31 मार्च 2023 तक चलेगा, मार्च खत्म हो गया लगभग, अब तो अप्रैल मई जून लग गया, तो अब फाइनल डेटा इसका आना था कि भाई इस साल कितना वो क्या रहा, हमारा ग्रोथ रेट कितनी रही, तो ये देखेंगे डेटा रिलीज बाय NSO करता है, फाइनेंशियल ये यार में कितना हो, कहाँ से कहाँ होगा, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23, जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, 7% की उम्मीद थी, लेकिन कितना रहा, 7.2% रहा, फास्टेस्ट ग्रोविंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड,
जो बड़ी इकोनॉमी है ना, लार्ज, ऐसा नहीं कोई कांगो वांगो छोटे मोटे देश की नहीं बात कर रहे हम, जो मेजर इकोनॉमी है दुनिया में उनमें सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ देश भारत है। इसके बाद आप सब जानते हैं फाइनेंशियल को चार क्वार्टर में बदलते हैं, कोई जरूरत नहीं थी क्वार्टर का डेटा याद करना, लेकिन लास्ट का जो क्वार्टर फोर था दोस्तों, इसमें 6.1% ग्रोथ हुई थी। कल बेसिकली जो 31 मई को एक साथ दो डेटा आया था, तीन क्वार्टर का डेटा हमारे पास अवेलेबल था, लास्ट क्वार्टर फाइव की ग्रोथ रेट का डेटा आया और उसके साथ में पूरे साल का भी आया, फुल ईयर का भी आया। लास्ट जो इसमें क्वार्टर फाइव फोर में रहा 6.1%, टोटल मिला गिरा 7.2%। इसके पहले हम देख चुके थे कि 2020-21 में कोरोना के कारण क्या हुआ था, कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, कई टाइम तक लॉकडाउन लगा था, तो नेगेटिव में जाना ही था, तो नेगेटिव 5.8% रहा था। 21-22 में बढ़ के क्या इतना हो रहा था 9.1% और 2022-23 में 7.2% रहा। तो ये काफी अच्छा बात है देश के इकोनॉमी के लिए। अब इसमें हमको दो चीजें बात ध्यान रखनी थी, जीडीपी दो प्रकार की होती है, ये हम सब जानते हैं, जीडीपी दो प्रकार की होती है, एक तो रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। देखो नॉमिनल जहां जहां भी इकोनॉमिक शब्द प्रयोग में होता है वर्ल्ड, उसका सिंपल मतलब होता है इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, महंगाई शामिल होती है, और रियल का मतलब होता है महंगाई को हटा के, महंगाई को हटाकर हम बात करें तो रियल जीडीपी कहलाती है। इसमें बेस ईयर का प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, बेस ईयर की प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, जो वर्तमान में आपको पता है 2011-12 है। तो इस रियल जो बेसिकली मैं बता रहा हूँ 7.2%, वो रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं हम। लगभग 1.140 लाख करोड़ के आसपास डेटा था हमारा, 149 लाख करोड़ की जो जीडीपी थी वो अब बढ़ के कितनी होगी, 160 लाख करोड़ हो गई है। तो इससे आपको एक चीज़ का और ज्ञान मिलेगा कि इंडियन जीडीपी कितनी है। तो साल भर में भारत में 160 लाख करोड़ रुपए का, एक रुपये का नहीं, एक करोड़ का नहीं, 160 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, और ये 7.2% की वृद्धि आई है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि हमारी जीडीपी कितनी है आज की डेट में, 160 लाख करोड़ है। इसी को हम नॉमिनल में बात करें, महंगाई को शामिल करें, तो महंगाई आप जानते हो जीडीपी बढ़ जाएगी, तो 234 लाख करोड़ था पिछले साल, जो बढ़ के कितना हो गया, $272 लाख हो गया, $272 लाख करोड़ हो गया, 16.1% की ग्रोथ रही है। हालांकि ये डेटा आपको याद नहीं करना, हमको डेटा याद रखना है 7.2%। अब इस 272 लाख करोड़ को अगर हम डॉलर में चेंज करें, तो आज आपको पता है कि डॉलर एक लगभग 82-80 के ऊपर है, तो इससे डिवाइड करते हैं, साढ़े लगभग आता है $3.5 ट्रिलियन। तो आज की डेट में कोई हमसे कहे कि हमारी जीडीपी $3.5 ट्रिलियन है, तो बिल्कुल बात सही है। और हम सबको पता है मोदी जी का क्या टारगेट था, मोदी जी का टारगेट था इंडियन जीडीपी को $5 ट्रिलियन पहुंचाने का, तो अभी हम काफ़ी दूर हैं, अभी तो हम 3.5 ही पहुंचे हैं, हमको इसको बढ़ा के कितना करना है, $5 ट्रिलियन करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।